नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग सब ठीक ही होंगे। आज हम लोग ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 4 पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 4 पे चर्चा करेंगे। ज्योमेट्री का ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं ज्यामिति, ठीक है, जिसको हम लोग उसके बाद लेक्चर नंबर 12, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 12 ज्योमेट्री का आज लेक्चर नंबर गाइस क्या होगा, 12 होगा, ठीक है ना। तो हम लोग पिछले क्लास चर्चा किए थे कि एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ करते थे और एक एक्सटर्नल एंगल से लाइन बाइसेक्टर था, एंगल बाइसेक्टर, और एक इंटरनल एंगल से एंगल बाइसेक्टर था। इस एंगल का अगर वैल्यू पता रहता था तो बोलता था कि इस एंगल का वैल्यू क्या होगा। ये अगर 50 डिग्री है गाइस तो ये आपका आधा होगा, 25 डिग्री, ठीक है ना। ये बात आप याद किए होंगे, जब ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर, एक तो ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना, ये, ठीक है ना, ये एक ट्रायंगल है गाइस, ये क्या है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का ये जो लाइन है वो एंगल को बाइसेक्ट किया, इस पूरा एंगल को दो बराबर भाग में इसको क्या कर दिया, बांट दिया, और यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल को भी, ये एक तो बड़ा एंगल पहले था, एक्सटीरियर एंगल एक था, जब ये एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ किया ना, इसको और इसको भी दो इक्वल भाग में इसको क्या कर दिया, बांट दिया, ठीक है ना। उसके बाद ये एंगल जो होता है ना, इसका आधा होता है, क्या होता है गाइस, आधा, इसका ये आधा और इसका ये डबल होता है, याद रखिएगा। कभी कभी इसी में से एक एंगल, एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ किए, ये एंगल बाइसेक्टर है ऐसे, ये अगर 30 डिग्री दिया है तो बताइए ये एंगल क्या होगा। तो x बराबर 2 × 30 डिग्री तो बराबर 60 डिग्री, नहीं बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इस पे हम लोग का चर्चा, मेरी बात पिछले क्लास इसी पे मुद्दा हुआ था कि इसका 50 डिग्री दिया है तो ये इससे आधा होता है, ये इससे आधा होता है। अगर ये a डिग्री है ना तो इनटू a बाय 2 होता है, इज इक्वल टू बड़ी a, इसका वैल्यू हम लोग बड़ी a बोलते हैं, आधा होता है, ठीक है ना। अरे इसका ये डबल होता है, अगर ये a है ना तो ये जो होगा, ये मान लेते हैं a बाई 2 होगा ना, तो सीधी बात a का जो वैल्यू निकालना है, बड़ी a है ये, तो निकालना है a का वैल्यू ना, तो 2 × बड़ी a होगा, ठीक है ना, 2 × बड़ी a होगा। तो ये बात आप लोग पिछले क्लास समझ गए होंगे, ठीक है ना। हम लोग बात को आप निरंतर रूप से आगे बढ़ाते हैं। और हम एक चीज़ और मैं चर्चा किया था, वो मैं ये चर्चा किया था कि ऐसे ऐसे दिया हुआ है, ये जो है इसका क्या है, पैरेलल है। जब ये पैरेलल है गाइस, ये क्या है, पैरेलल है, तो ये क्या क्या है, इस पर इंटरसेक्ट क्या है, क्या ही नहीं क्या है। मान लेता हूँ ये लाइन को यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, तो ये भी लाइन तो इसका क्या है, पैरेलल है। अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये क्या है, पूरा गामा है, क्या है गाइस, गामा है। तो आप बताइए ये लाइन यदि पैरेलल है, क्या है, पैरेलल, ठीक है ना, तो ये लाइन इसका पैरेलल है, तो ये लाइन जो होगा
ट्रांसवर्सल लाइन होगा। नई बात समझ आ रहा है? मान लेते हैं ये लाइन है और एक डॉट डॉट लाइन ये है, ओके। तो ये लाइन जो मान लेता इधर से ऐसे आया, तो ये जो एंगल यहाँ पे रिफॉर्म किया है ये वाला, ये एंगल जो बनाया ये कौन सा एंगल है? ट्रांसवर्सल है ये नहीं है? क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल का तो हम लोग कह सकते हैं पैरेलल है, पैरेलल है, ये क्या है? पैरेलल है। तो जो ये एंगल बना रहा है ये किस प्रकार का एंगल बना रहा है गाइस, आप ही बताइए तो। क्रॉसपॉन्डिंग बना रहा है, क्रॉसपॉन्डिंग, क्रॉस पॉन्डिंग, संगत कौन, कौन सा कौन? संगत कौन, ठीक है ना, क्रॉसपॉन्डिंग। तो आप लोगों को एक चीज़ समझ आना चाहिए, मैंने पिछला क्लास इसी पे एक चीज़ चर्चा किया था कि इसका वैल्यू जो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो गामा का वैल्यू जब भी निकलोगे ना 360 डिग्री में, क्या करना पड़ेगा तुमको? अल्फा प्लस बीटा को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। किसी एक का वैल्यू भी निकालोगे ना तो वही करना पड़ेगा, जो काम गामा के साथ करेंगे वही अल्फा के करेंगे, वही बीटा के साथ करेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ समझ आना चाहिए कि ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किए, तो ये भी तो इसका क्या है, ये लाइन भी तो इसका पैरेलल है, ये लाइन भी तो इसका पैरेलल है या नहीं है? जब इसका पैरेलल है तो ये एंगल मान लिया जाए कुछ भी होगा, ठीक है ना, ये एंगल भी कुछ भी होगा। तो इस एंगल इसके लिए पैरेलल, तो ये लाइन तो ट्रांसवर्सल हो गया ना। जब कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन होता है गाइस ऐसे, तो आप जानते होंगे ये दोनों का जो सम होता है ना वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है, नहीं, संगत कोणों का सम 180 डिग्री होता होगा। तो ये कोण और ये कोण का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो बताइए ये कोण और ये कोण का भी सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो टोटल सम कितना हुआ? 360 डिग्री हुआ या नहीं हुआ, आप ही बताइए, हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। इसीलिए हम तुम लोग को एक कहना चाह रहे थे कि अल्फा बीटा गामा का वैल्यू जो होता है वो कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है, क्योंकि संगत कोण का सम जो होता है, ठीक है ना, संगत कोणों का जो सम होता है इसका और इसका सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, इसका और इसका सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, इसका और इसका सम के बराबर जो होता है 180 डिग्री होता है, और इसका और इसका सम के बराबर 180 डिग्री होता है, इसका और इसका सम के बराबर भी 180 डिग्री होता है, इसका और इसका सम भी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ये बात याद रखना। और इसका इसका सम भी 180 डिग्री होता है, 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 इधर से भी ये 180 डिग्री होता है और इधर से भी ये 180 डिग्री होता है। मतलब चीज़ों को आप चारों तरफ से ले लीजिए कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन का, तो आप बताइए कि ये और ये क्रॉसपॉन्डिंग लाइन है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, ये और ये भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इसका भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा गाइस? 360 डिग्री होगा या नहीं होगा? तो इसीलिए मैंने ये बात आप लोगों को समझाने का क्या किया था, कोशिश किया था। तो फिर अभी और थोड़ा समझा देता हूँ थोड़ा फ्रेश से, ये तो थोड़ा गंदी तरीका हो गया। देखिए मैं कहना ये चाहते हैं, देखो बाबू, मान लेता हूँ ऐसा एक फिगर है, ठीक है ना, ऐसा एक फिगर है, ओके। यहाँ से एक मैंने स्ट्रेट लाइन क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। क्या मैंने ड्रॉ कर दिया? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो मैंने जब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए, तो आपको एक चीज़ समझ आया होगा, मान लेता हूँ कि ये अल्फा डिग्री था, सॉरी अल्फा डिग्री था, ये बीटा डिग्री था पूरा, और ये गामा डिग्री था,
जब लाइन को ड्रॉ करते ही ये अब अल्फा बीटा डिग्री ना रह के, तो ये हो गया बीटा बाय टू, ये भी हो गया बीटा बाय टू, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बाय टू इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये भी तो होगा, ये दोनों का सम और ये दोनों का सम, तो फिर ये भी हो जाएगा गामा प्लस बीटा बाय टू इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। कैसे होगा? क्रॉसपॉन्डिंग से। कैसे होगा? क्रॉस पॉन्डिंग से, ठीक है ना। कैसे होगा? क्रॉस पॉन्डिंग से। अब बताइए, दोनों का जब सम करेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, सॉरी अल्फा प्लस गामा हो जाएगा, ये सम करेंगे तो बीटा हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री होगा या ना होगा। आप ऐसे भी इसको क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मैंने एक चीज़ बताया हूँ, क्या बताया हूँ, एक स्ट्रेट लाइन है, डॉट डॉट लाइन है, ठीक है ना, ये दोनों पैरेलल लाइन है गाइस, ऐसे ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल और ये एंगल का सम जो होता है ना, वो 180 डिग्री होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का जो सम होती है वो 180 डिग्री होता है। तो हम लोगों ने इस मेथड से, कॉरस्पॉन्डिंग से भी इस चीज़ को क्या करके देख लिया, प्रूफ करके हम लोग देख लिए, ठीक है ना। अब हम लोग देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना होता है, 360 डिग्री होता है। आप लोग ये लॉजिक देख लिए होंगे और आप लोग समझ भी गए होंगे, तो हम आगे बढ़ने की क्या करता हूँ, कोशिश करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग मीन संगत होता है, ठीक है ना। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे मैं समझाने का ये कोशिश करता हूँ, इससे एक एग्जांपल लेता हूँ, पिछले क्लास में लिया हूँ फिर भी उससे हमको संतुष्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये आपका कितना हो गया, ये तो इसका क्या है गाइस, पैरेलल है, ये 130 डिग्री होगा, तो ये भी कितना होगा, 130 डिग्री होगा। अब बोलता है ये एंगल क्या होगा बताइए। तो आप क्या कीजिएगा, एक्स प्लस 130 डिग्री प्लस क्या होगा, 130 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, नहीं तो x प्लस 260 डिग्री, ये बराबर 360 डिग्री हो जाएगा, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 100 डिग्री, ठीक है ना, कितना डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। ओके, जब कभी कभार यदि इसी क्वेश्चन में मान लिया जाए, ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना, ये आप लोग क्या हो गया, आप लोगों को समझ आ गए होंगे। तो ये क्योंकि अल्फा बीटा गामा है बेटा, तो समझ आप लोगों को आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कि इसी में से मान लिया जाए एक दूसरा एग्जांपल, मैं कहने का एक कोशिश करता हूँ कि ऐसे है, आपकी बार ये दोनों का वैल्यू दिया है, अल्फा डिग्री का वैल्यू ज्ञात कीजिए, ये 130 डिग्री दे दिया है, ये 100 डिग्री दे दिया है, अब बताइए उसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, वही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 360 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 100 डिग्री, गामा का वैल्यू 130 डिग्री और 360 डिग्री, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, 230 डिग्री, 230 डिग्री और 360 डिग्री, तो इसमें अल्फा का वैल्यू जो हो जाएगा 360 डिग्री में से आप क्या कीजिएगा, 230 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, 130 डिग्री आपका बच जाएगा, ये आपका आंसर्स। तो आप बना सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, 230 डिग्री में 360 डिग्री, 130 डिग्री, ठीक है ना। तो एग्जामिनेशन हॉल में तो आपका ये सब बनाने का तो उतना टाइम नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आप क्या कर दीजिएगा, ये दोनों का सम कर दीजिएगा, ठीक है ना, और इसमें 360 डिग्री में घटा दीजिएगा, जो वैल्यू आएगा वो आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग,
पिछले क्लास में एक चीज और एक बात बताए थे कि ये एक ट्रायंगल है, ये एंगल बाईसेक्टर है, ये एंगल बाईसेक्टर है, ये मान लेता हूँ एम डिग्री है। इसको प्रूव करके भी मैं दिखाया था, नहीं दिखाया था या नहीं दिखाया था, इसका वैल्यू क्या होगा? ये मान लेता हूँ ए डिग्री है, ठीक है ना? तो एंगल एम बराबर होता है, मैं बताया था एंगल एम बराबर जब भी निकालना है 90 डिग्री प्लस ए बाय टू, ये आपका फॉर्मूला होता था। नहीं पिछले क्लास मैंने बताया था, जैसे कि एक एग्जांपल से हम लोग समझने का क्लियर करने का कोशिश करेंगे इस थ्योरम को। नहीं एक एग्जांपल से हम लोग क्या करेंगे, इस थ्योरम को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। बच्चों यहाँ पे देखिए जी, ये एम डिग्री है, ठीक है ना, और ये 60 डिग्री है। तो एम डिग्री अगर निकालना है आपको तो 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री में 2 डिग्री से डिवाइड 2 से कर देना है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 120 डिग्री, ठीक है ना? तो आप क्या कीजिएगा कि ये एक ट्रेंगल है, एंगल बाय सेक्टर, एंगल बाय सेक्टर एम डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाया, तो बताइए कि ये कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे? तो ये इतना डिग्री का बनाता है, तो ये भी तो उतने ही डिग्री का बनाएगा, ठीक है ना? बनाएगा या ना बनाएगा, ये मान लिया जाए, बनाएगा बनाएगा, तो 70 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग एक चीज देखेंगे कि ट्रायंगल में हम लोग साइड के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? एक ट्रायंगल है, पहली बात हम लोग पढ़ेंगे ए बी सी, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ठीक है? एक साइड है। हम लोग देखेंगे ट्रेंगल बनाने का कुछ कंडीशंस, ठीक है ना? जैसे ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, या तो होगा बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, या तो होगा सी प्लस ए ग्रेटर देन बी। अगर ट्रायंगल ने तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया, मतलब ये तीनों कंडीशन से अगर ये ट्रायंगल संतुष्ट हो गया, ये तीन स्टेटमेंट देता है, कोई भी साइड अगर क्वेश्चन में तुम्हें साइड दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना? क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? साइड। और क्वेश्चन बोलेगा कि यह ट्रायंगल बनाने का पॉसिबल पॉसिबल है या नहीं है, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, ट्रायंगल बनना संभव है या असंभव है, तो उस कंडीशन में आपका तीन साइड दिया रहेगा। इसी तरह तीन साइड कुछ वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है ना? ट्रायंगल में आप पूछेगा क्या ये ट्रायंगल बना सकती है या नहीं बना सकती है। यदि ट्रायंगल बनाना हो, अगर ट्रायंगल बनाता हो, तो ए और बी का जो सम होगा ना सी से बड़ा होगा, ए और बी का जो सम होगा ना वो सी ए से क्या होगा, बड़ा होगा, और ये सी प्लस ए का जो सम है ना बी से एनी टाइम ये क्या होगा, बड़ा होगा, तभी वो ट्रायंगल को ये तीनों स्टेटमेंट अगर फॉलो कर गया, यदि ये तीनों स्टेटमेंट से रिजल्ट पास हो गया, तभी समझ लेना कि ये ट्रायंगल बनाएगा। नहीं तो अगर कोई भी एक भी स्टेटमेंट फेल हो गया, कोई एक स्टेटमेंट यदि फेल हो गया ना, तो आप समझ लीजिएगा कि ट्रायंगल ये नहीं बना सकती है, ठीक है ना? तो हम लोग समझने की यहाँ से कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, एंड 5 सेंटीमीटर, ओके? ये एक स्टेटमेंट है, इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये ट्रायंगल बनाएगा या नहीं बनाएगा। मान लिया जाए कि ये न ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसने बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसने सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायरेक्ट हम लोग स्टेटमेंट को चेक करता हूँ, ए प्लस बी दोनों का सम, ठीक है ना, 2 प्लस 3 ग्रेटर देन 5, तो 5 ग्रेटर देन 5। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या देखे मैंने कि ये भी 5 ये भी 5 दोनों आपस में इक्वल हो रहा है, मगर हमारे स्टेटमेंट ने कहता है कि इससे ये एनी टाइम बड़ा होना चाहिए,
ये इक्वल हो गया। तो पहली बार हम लोगों को नज़र में आ गया कि ये ट्रायंगल नहीं बनाएगा, ये ट्रायंगल बना नहीं सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये स्टेटमेंट मेरा यहीं पे क्या हो गया, फेल हो गया। आगे बढ़ने का कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरी एग्जांपल देखिए, दूसरी एग्जांपल जैसे मान लेता हूँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, ओके ना। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये स्टेटमेंट भी फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये दोनों का सम देखना है, 3 प्लस 4 ग्रेटर देन 9, तो यहाँ पे ये 7 हो रहा है ग्रेटर देन 9, ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, तुम्हारा फेल हो गया। क्योंकि कह रहा था क्या, इससे एनी टाइम ये बड़ा होना चाहिए, मगर ये तो बड़ा हुआ नहीं, ये भी स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया, फॉलो हो गया। जब यही मेरा स्टेटमेंट यहीं पे फेल बता दिया, आगे आपको चेक करने का कोई ज़रूरी नहीं है। जब यहीं पे आपका स्टेटमेंट फेल बता रहा है तो आगे चेक करने का आपका कोई ज़रूरी नहीं है। जब यहाँ पे स्टेटमेंट यदि आपका सही आ जाता तो आगे चेक कर सकते थे। जैसे कि इसको मिटाकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, मान लेता हूँ 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखिए ये दोनों का सम करेंगे गाइस, 3 प्लस 5 ग्रेटर देन 2, ठीक है ना। तो देखिए ये स्टेटमेंट आपका पार हो गया, ये स्टेटमेंट आपका सेटिस्फाई कर गया। अब हम लोग चलेंगे दूसरा स्टेटमेंट में। आपकी बार ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब बी प्लस सी को जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए 5 प्लस 2 ग्रेटर देन 3, यहाँ पे आके मेरा ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, फेल हो गया। ये भी ट्रायंगल बना नहीं सकती है, ठीक है ना। ये साइड के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहा हूँ कि ये ट्रायंगल बना सकती है या नहीं बना सकती है। तो सर ट्रायंगल बनाएंगे कैसे, किस कंडीशन में ट्रायंगल बनाएंगे? हाँ ट्रायंगल तो बनाएंगे 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ओके। तो आप लोग को देखिए 5 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए ये ट्रायंगल क्या बना सकती है, नहीं बना सकती है। तो आप लोग देखिएगा कि ये दोनों का सम कीजिएगा इस, 2 प्लस 6 ग्रेटर देन 5, तो ये हो जाएगा आपका 8 ग्रेटर देन 5। एक कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब हम लोग दूसरी कंडीशन को देखेंगे, क्या देखेंगे, बी प्लस सी करेंगे, 6 प्लस 5 करेंगे ग्रेटर देन 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 11 ग्रेटर देन 2। ये भी कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया। अब हम लोग देखेंगे ये लास्ट और फर्स्ट, फर्स्ट और लास्ट, 2 प्लस 5 ग्रेटर देन 6, तो ये हो गया 7 ग्रेटर देन 6, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो ये इसने क्या कर सकती है, ट्रायंगल को बना सकती है, ठीक है ना। ये ट्रायंगल आपका बनाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया। और पहले हम लोग जितना भी देखते थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 से ये बड़ा है, 2 से ये बड़ा है, 5 से भी ये बड़ा है, तो ये सेटिस्फाई हम लोगों को कर दिया कि ये ट्रायंगल बना सकती है। ये जो हम लोग का वैल्यू है ना, ये ट्रायंगल क्या कर सकती है, बना सकती है, ओके। तो ये बात आप लोग को समझ आना चाहिए कि ट्रायंगल को बनाने के लिए 2 साइड का सम थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, सर्वदा बड़ा होना चाहिए। यदि बड़ा नहीं होगा तो वो ट्रायंगल नहीं बना सकती है, यदि इक्वल भी हो गया तो वो ट्रायंगल नहीं बना सकती है, उससे छोटा हो गया तो ट्रायंगल नहीं बना सकती है, उससे बड़ा हो गया मतलब तीसरा साइड से 2 साइड का सम बड़ा हो जाएगा, तब भी समझना कि ये ट्रायंगल बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। 2 साइड का सम ग्रेटर देन थर्ड साइड, ओके, ग्रेटर देन थर्ड साइड, थर्ड साइड से 2 साइड का सम क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तीसरी भुजा का जो वैल्यू है, 2 भुजा का जो जोड़ है, ठीक है ना, 2 भुजा की जोड़, देखिए यहाँ पे मेरा ये समझाने का मकसद है कि 2 भुजा की जो जोड़ है, जैसे कि बी प्लस सी,
बी प्लस सी का जो जोड़ है ठीक है ना, वो बड़ा होना चाहिए किससे, तीसरी भुजा से, ए से। ए से ना बी और सी का सम बड़ा होना चाहिए सर्वदा, और तीनों कंडीशन में, तीनों स्टेटमेंट में बड़ा होना चाहिए। तीनों स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, तीनों कथन में बड़ा होना चाहिए, तभी ये इससे संतुष्ट होगा कि ये ट्रायंगल बना सकती है, नहीं तो नहीं बना सकती है। ये आपका तो ऐड तरीका था, अब डिफरेंट तरीका देखिए। इसी में से एक सबट्रैक्ट मेथड भी आप देख लीजिए। जैसे कि आपका एक सबट्रैक्ट तरीका ये देखिए, ये एक ट्रायंगल है, ए है और बी है और सी है। ओके, एक ट्रायंगल है ए और बी और सी। ओके, ए और बी और सी, ये एक ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में हम लोग क्या देखेंगे कि इसका सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट मतलब समझते हो, ए बी सी, ए बी का सबट्रैक्ट लेस दे, आपकी बार इससे ये बड़ा होगा, सी एंगल जो होंगे वो बड़ा होंगे ठीक है ना। ये दोनों का सबट्रैक्ट सी से क्या होगा, सी से छोटा होगा, नहीं, सी से ये दोनों का सबट्रैक्ट छोटा होना चाहिए। आपकी बार उल्टा चलती है, कंडीशंस उल्टा, और बी माइनस सी सबट्रैक्ट ए ठीक है ना, और ए माइनस सी सबट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बी ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, ये तीन कंडीशन ट्रायंगल को बनाने का, एक सबट्रैक्ट मेथड से तीन कंडीशन फॉलो होना चाहिए। ये तीनों स्टेटमेंट, तीनों कथन हम लोग कह सकते हैं, ये कथन, कथन को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटमेंट, कथन को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ठीक है ना। तो देखिए, ये तीनों कथन को अगर सेटिस्फाई करेगा, तीनों कथन को अगर संतुष्ट करेगा, इसका साइड कुछ वैल्यू दिया रहेगा, तभी समझ लेना ये ट्रायंगल बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। एक एग्जांपल साहब देख लीजिए, तो जैसे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लोग चेक करके देखते हैं क्या ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दो का डिफरेंट करो, 2 माइनस 3, मॉडुलस इसलिए दिया हूँ मैं, मॉडुलस इसलिए दिया हूँ कि कोई भी लेंथ कभी भी अथी में नेगेटिव में नहीं होती है, इसीलिए मैंने मॉडुलस दिया हूँ ग्रेटर देन 5। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 ग्रेटर देन 5। तो ये मॉडुलस देने का मेरा यही मकसद था कि ये माइनस वाला नंबर को क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा। तो ये तो सेटिस्फाई कर गया ठीक है ना। अब दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, फाइव में, मतलब सॉरी 3 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ग्रेटर देन होना, लेस देन होना चाहिए 2 ठीक है ना, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, आपका ग्रेटर देन 2, 3 माइनस 2 ग्रेटर देन 2 ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये -2 हो गया, मॉडुलस तो रहेगा ही, ये 2, मॉडुलस का काम है माइनस को हटाना, तो 2 लेस देन 2। तो ये यहीं पे हम लोग का क्या हो गया, स्टेटमेंट फेल हो गया। यहाँ पे हम लोगों का स्टेटमेंट क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे इससे ये तो बड़ा है ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। ओके, ये इससे क्या है, बड़ा नहीं हुआ, ये इसका इक्वल ही हो गया, तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया, बिल्कुल फेल हो गया। तो यहीं पे हमको समझ आ गया, जो भी साइड, ये तीन साइड दिया है और हम लोगों को चेक करने के लिए बोला था क्या ये ट्रायंगल बना रहा है या नहीं बना रहा है, तो हम लोगों को इस ट्रायंगल को बना रहा है या नहीं बना रहा है, इसको जांचने के लिए हम लोगों को ये तीन स्टेटमेंट से होकर गुजरना पड़ता है। अगर ये तीनों स्टेटमेंट को अगर सेटिस्फाई कर लेता है, तो समझ लीजिएगा क्या आप ट्रायंगल बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। कोई एक भी स्टेटमेंट फेल हो गया ना, तो समझ लीजिएगा ट्रायंगल नहीं बनाएगा ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट आके यहाँ बीच में फेल हो गया, अब थर्ड क्या होगा या ना होगा उससे कोई मतलब नहीं है। अगर फर्स्ट में ही अगर स्टेटमेंट फेल हो जाता है, तो समझ लीजिएगा कि ये ट्रायंगल नहीं बनाएगा ठीक है ना। अगर सेकेंड में फेल हुआ, थर्ड में फेल हुआ, अगर एक भी बार स्टेटमेंट फेल हो गया, तो समझ लीजिएगा ट्रायंगल नहीं बनाएगा ठीक है ना। स्टेटमेंट फेल होना ही ट्रायंगल ना बनाना,
अब आगे हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स और एक दो चेक कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मान लिया जाए कि 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ओके, और एंड 8 सेंटीमीटर है। ये ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है। अब तीनों स्टेटमेंट को चेक करेंगे। 4 माइनस 5, मॉडुलस देने का मकसद होता है कि माइनस वाला जो नंबर को उसको प्लस कर देगा, ठीक है ना। तो इसको सब्ट्रैक करेंगे तो गाइस क्या बचेगा, आप ही बताइएगा। तो आप बताइए, -1 बचेगा, -1 मॉडुलस दिए इसलिए कि माइनस को ख़त्म कर दे। तो यहाँ पे 1 ग्रेटर देन 8, इससे ये बड़ा है। दूसरी बात, दूसरा स्टेटमेंट b-c मतलब 5 माइनस 8, ठीक है ना, मॉडुलस है > 4, तो बचेगा यहाँ पे क्या, -3 > 4, तो ये 3 > 4, 3 से ये बड़ा हो रहा है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, ए, ए का वैल्यू क्या है गाइस, यहाँ पे देखिए 4 में 4 को सब्ट्रैक करेंगे, नहीं सॉरी 8 को सब्ट्रैक करेंगे, और > 5, तो यहाँ पे -4 और > 5, तो = 4 > 5। तो हम लोगों ने क्या देखा, तीनों स्टेटमेंट को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है तीनों स्टेटमेंट से, मतलब ये तीनों स्टेटमेंट से ये संतुष्ट है इस वैल्यू, ठीक है ना। इसीलिए ये क्या बना रहा है, ये एक ट्रायंगल को निर्माण करेगा। जब आप कंस्ट्रक्शन से आप चेक कीजिएगा तो ये एक ट्रायंगल को निर्माण करते हुए आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। इसको चेक करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन चाहिए, आपको कंस्ट्रक्शन मतलब रचना करके आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको माप कर ट्रायंगल को बनाना पड़ेगा, उसके लिए स्केल चाहिए, और आप उससे चेक करिए डिवाइडर से, ठीक है ना। अब डिवाइडर उसमें बहुत सारा चीज़ होता है, स्केल, ठीक है ना, पेंसिल आप लीजिए और कॉपी में आप चेक करिएगा तो आपका सही सही ये ट्रायंगल एक बनाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। तो हम लोग ने यहाँ तो सिर्फ जांच कर रहा हूँ कि ये ट्रायंगल बनाएगा या नहीं बनाएगा, साइड दिया रहेगा और ट्रायंगल देखना पड़ेगा ये बना सकती है या नहीं बना सकती है। तो हम लोग जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो गया तो ये ट्रायंगल बनाएगा, ये स्टेटमेंट अगर कोई एक भी फेल हो जाता ना तो ये ट्रायंगल नहीं बनाता, ठीक है ना। ये हम लोग डिफरेंट तरीका से जांच करने के लिए देख लिए कि ट्रायंगल ये बनाएगा या नहीं बनाएगा। अब की बार हम लोग ये देखते हैं, अब हम लोग मीडियन से हम लोग चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे, मीडियन से, ठीक है ना। मीडियन, जैसे मीडियन क्या होता है, देखिए माध्य का मीडियन, मीडियन, ठीक है ना, मीडियन माध्यक, मीडियन। एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कीजिए, मीडियन ने क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस साइड को दो भाग में बांट दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और इसको डी ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग ने क्या देखे यहाँ पे, ये मीडियन है, ये क्या है गाइस, मीडियन है। मीडियन को डालते ही इसमें अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड बोलो मीडियन बोलो, बातें की है, मीडियन को डालें, ठीक है ना। अब हम लोगों ने इसको दो भाग में क्या कर दिए, बांट दिए, इसको दो भागों में हम लोग क्या कर दिए, बेस को बांट दिए। ये कितना ट्रायंगल बनाया, दो ट्रायंगल बनाया, बनाया या नहीं बनाया, कितने ट्रायंगल बनाए, दो ट्रायंगल। तो पहला ट्रायंगल क्या है गाइस, बोलिए, तो पहला ट्रायंगल है ए बी डी, ए बी डी, ठीक है ना, क्या है, ए बी डी है, ए बी डी, ओके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ता हूँ कि ए बी प्लस बी डी ग्रेटर देन ए डी, ठीक है। एक ट्रायंगल ये हो गया, ये एक स्टेटमेंट आप मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं 1। अब देखिए एक ट्रायंगल ये भी है गाइस, है या नहीं है,
तो दूसरा ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि ए डी सी, ए डी सी। तो हम लोगों ने क्या करेंगे, यहाँ पे ए डी, ए डी प्लस ए डी नहीं सॉरी ए सी इधर से लेना होगा, ए सी प्लस सी डी, ओके ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ए सी ग्रेटर देन सॉरी ए डी ग्रेटर देन ए डी, ठीक है ना, ये टू हो गया। दोनों को क्या कर देना है, सम कर दीजिए आप। दोनों को जैसे सम करेंगे आप तो ए डी इक्वेशन वन प्लस टू, तो क्या हुआ, एड ए बी प्लस बी डी ग्रेटर देन ए डी, ओके। और दूसरा होगा ए सी, ओके प्लस सी डी ग्रेटर देन ए डी, ठीक है ना। दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए, ठीक है ना। दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। दोनों इक्वेशन को सम कर दीजिएगा तो दोनों इक्वेशन सम करते हुए गाइस क्या पाएंगे हम लोग, ए बी प्लस ए सी प्लस बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी ग्रेटर देन ए डी प्लस ए डी, टू ए डी नहीं टू ए डी। तो यहाँ पे देखिए बी डी और सी डी, बी डी और सी डी बराबर होता है ना बी सी, होता ही नहीं होता है बी सी। दोनों को सम करके लिख दीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस, सम करके इसको लिख दिया गाइस, और ए सी ठीक है ना ग्रेटर देन टू ए डी के क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये चीज़ को अगर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, इस रूल को इस नियम को यदि ये सेटिस्फाई करेगा तो समझ लीजिएगा कि ट्रायंगल बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा ये नियम को, ओके। किस नियम को, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन टू ए डी, ओके। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एक एग्जांपल से चेक कर लेते हैं। ये मीडियन की तरीका से हम लोग चेक कर रहा हूँ, जांच कर रहा हूँ। ये एक देखिए, ये इसको यही रहने दीजिए। मान लिया जाए, एक एग्जांपल्स जरूरी है, एक ट्रायंगल है ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे एक मीडियन डालें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मीडियन है डी, ओके। तो इसका वैल्यू मान लिया 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये मान लेते हैं हम लोग 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, क्या है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो देख लीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी करेंगे, ए बी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 2 × 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 6 × 4 = 10 = 5 = 15 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आप देख लीजिए, क्या ये सेटिस्फाई कर गया ना, तो समझ लीजिएगा कि इट इज़ ए पॉसिबल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। आगे देखिए, अगर मान लिया जाए यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ दिया हुआ रहता अजूब टाइप का, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे 13 कर देता, तो देखिए क्या ये ट्रायंगल बना रही है या नहीं बना रही है। 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 2 × 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो रहा है, 9 × 6 = 15 = 15 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 26 सेंटीमीटर,
क्या ये ट्रायंगल को बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा, कभो नहीं बनाएगा। ओके, तो ये बात आप समझ लीजिएगा, ये ट्रायंगल कभी नहीं बनाएगा। ये मीडियन के अनुसार हम लोग चेक करना सीख गए, ठीक है ना। ये इक्वल भी रहता तो भी ट्रायंगल नहीं बनाता। ये अगर मान लेता हूँ कि मान लेता हूँ इधर 15 है, मान लेता हूँ इधर ए है, ग्रेटर देन इधर भी ए हो जाता ना, तो कभी नहीं बनाता, ठीक है ना। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि इसको डायरेक्ट हम लोग एक फार्मूला ऐसे भी बना सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे ए है, बी है, सी है, तो ये ए है, बी है और सी है, ये मीडियन है, इसको नाम डी दे दिया, इसका वैल्यू हम लोग डी ही रख, मीडियन को एम से हम लोग क्या कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 2m, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इस वैल्यू को अगर इस तरह का वैल्यू दे दिया, अगर आपको बताएगा कि ये ट्रायंगल संभव है या नहीं संभव है, अगर इस रूल को सेटिस्फाई करेगा तो समझ लीजिए कि ट्रायंगल बनना संभव है। अगर ये रूल को सेटिस्फाई नहीं किया तो समझ लीजिएगा ये ट्रायंगल नहीं बना सकता है, ठीक है। ओके, आज का क्लास यहीं तक गाइस, थैंक यू।